हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू दिस इकोनॉमिक सीरीज। दिस इज दीपाली एंड हेयर आई एम, जहाँ पे मैं अपना तीसरा लेक्चर आपको पढ़ा रही हूँ। और इसमें मैं आज आपसे बात करूँगी जीडीपी नेशनल अकाउंट रिवाइज सीरीज के बारे में, जहाँ पे हमने जो बेस ईयर था उसको चेंज किया था फ्रॉम 2011-12 टू 2017-18, ठीक है। लेकिन उस चीज से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगी। ये एक पर्टिकुलर चार्ट था जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था। इसमें हम नेशनल इनकम देखेंगे और इसमें भी पर्टिकुलर नेशनल इनकम एट अ ग्लांस में हमारा, देखो जब हम पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि नेशनल इनकम जो होता है पर्टिकुलर, वो आपका होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जो हम मेजरली अपना नेशनल इनकम मेजर करते हैं वो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। ये एक चीज आप याद रखना। अब नेट बोल रहे हैं तो मतलब आप समझ जाओ कि डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड कर रहे हैं, बिकॉज पहले लेक्चर में मैंने अपने यही आपको क्लियर किया था कि ग्रॉस क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, नेट, ये सारी चीज़ों का, सारी चीज़ें जो ये वर्ड्स हैं इनके बारे में देखा था। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ऑल दीज ऑल थिंग्स। अब देखो यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम तीन मेथड यूज करते हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब दोनों में क्या अंतर है, मतलब किस तरीके से इसको निकाला जाता है? तो अगर हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं तो वैल्यू एडेड में आप खुद भी देख रहे हो कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे और टर्शरी सेक्टर पे, तीनों ही सेक्टर पे जो जो भी ग्रॉस वैल्यू ऐड करी है हमने, उन सब का सम करते हैं, तब हमें मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई चीज जब प्रोडक्ट प्रोडक्शन उसका होता है तो वो इन तीनों में से किसी एक सेक्टर से निकलकर बन के, या इन तीनों में से एक से दो से ज्यादा सेक्टर्स से बनकर निकलती है। मान लो जैसे ब्रेड है, तो ब्रेड पहले रॉ मटेरियल उसका वीट वगैरह आता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह में, देन आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे मिलता है। यानी उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं कर रहे हैं, आपके टैक्सेस गिने नहीं जा रहे हैं, और लेकिन उसमें ऐड क्या हो रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चीज जब हम ऐड कर रहे हैं पर्टिकुलर, तब हमें क्या मिल रहा है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, देख रहे हो इसका वैल्यू एडिड का, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, डेप्रिसिएशन माइनस, टैक्सेस माइनस, लेकिन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो हम इसमें कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज की कंपनसेशन है उसको ऐड करते हैं, उसके साथ साथ सरप्लस को ऐड करते हैं, और जो उनकी मिक्सड इनकम आती है उसको ऐड करते हैं, तब हमें नेट डोमेस्टिक इनकम मिलती है। और जब उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है एट फैक्टर कॉस्ट। एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिलता है, और नेट एक्सपोर्ट मिलता है। यानी हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस ओवरऑल मिलता है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करते, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को काउंट नहीं करते, और उसमें ऐड करते हैं वही अपना पुराना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब हमें ये पर्टिकुलर मिलता है। यानी तीनों का ही पर्पस होता है इस स्टेज पर पहुंचना, ठीक है, इस स्टेज पर पहुंचना तीनों का ही पर्पस है। इंडिया में इनकम मेथड आपका यूज होता हुआ आपको खूब दिखाई देता है, ठीक है। तो इस पे कोई पर्टिकुलर ऐसा बहुत अच्छा सवाल तो नहीं बनकर आया है और नहीं आएगा, अगर आएगा तो थोड़ा सा लॉजिकल वगैरह आ सकता है इस पे, तो आप याद रखना कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट वगैरह जो होता है पर्टिकुलर टॉपिक, ये आपका पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीडीपी नेशनल अकाउंट रिवाइज सीरीज, ये जो पर्टिकुलर है इसमें हम बेस ईयर के चेंजेस को देखते हैं, और इसमें भी अगर इस पैरा को हम लोग ध्यान से पढ़े तो इसमें दिया है कि जो रिसेंट इंट्रोडक्शन है नेशनल अकाउंट बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस सीएसओ का, उसने रिवाइज किया है बेस ईयर को नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक
कब से कब तक कर दिया है, 2017-18 कर दिया है, 11-12 से, ठीक है। तो ये जो चेंज आया है ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, याद रखना, आपके स्टेट पीसेस वगैरह एग्जाम्स में काफी पूछ ली जाती है ऐसी फैक्चुअल चीजें, और वहां पे हमें हिट नहीं करती, तो हमें जब चार ऑप्शन काफी करीब दिखते हैं तो हम गलत लगाए आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, 2017-18 की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट की बात करें तो इसमें ओल्ड बेस पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसमें हम कॉरपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट एक्टिविटीज को कॉम्प्रिहेंसिवली अब लेकर चलते हैं, मतलब और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग अप सम चेंजेस इन द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो जो इवैल्यूएशन में चेंजेस हैं, जो अकाउंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए क्लासिफिकेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस समझेंगे तो हमको समझ में आएगा अच्छा क्या क्या चेंजेस हुए हैं एक्चुअल में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले हम GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालते थे, वॉज नोन एज सिंपली द GDP। जो हमारा पहले GDP एट फैक्टर कॉस्ट आज निकाल रहे हैं हम, वो पहले सिर्फ GDP के नाम से जाना जाता था। इट इज़ नथिंग अबाउट द सम ऑफ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यानी पहले ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ठीक है। लेकिन दिस कॉन्सेप्ट GDP एट फैक्टर कॉस्ट यूज टू बी एक्सप्रेस बोथ इन द कॉन्स्टेंट प्राइस। अब देखो दो प्राइजेस पे आएगा, एक कॉन्स्टेंट प्राइस यानी 2004-05 के बेस ईयर को मानते हुए हम उसके रिस्पेक्ट में जब उस टाइम जितनी महंगी चीजें थी उसके अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक है हमारा करंट प्राइस, ठीक है। तो करंट प्राइस आपको ज्यादा सूटेबल रहेगा बिकॉज इन्फ्लेशन यहाँ पे ऐड होगा, और अगर इन्फ्लेशन जहाँ पे भी ऐड होगा, मैंने अपनी पिछली सीरीज में भी बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि इन्फ्लेशन जहाँ पे भी ऐड होगा दैट इज रियल, ठीक है। इसीलिए हम रियल GDP ही निकालते हैं, हम नॉमिनल GDP निकालते ही नहीं है, बिकॉज रियल GDP का मतलब ही है कि हम इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हैं, और जब भी आप इन्फ्लेशन को काउंट करोगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग। वो आप करंट सिनेरियो देखकर चीजों को जो है मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज गुड, ठीक है, दैट इज मच बेटर देन नॉमिनल GDP। अब इसके साथ साथ यहाँ पे देखो, फॉर मोस्ट पर्पस इंक्लूडिंग एकेडमिक वर्क GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इन कॉन्स्टेंट प्राइस वॉज यूज एज GDP। जब हम एकेडमिकली इसको पढ़ते हैं ना, जो कॉमर्स के स्टूडेंट वगैरह पढ़ते हैं और जब वो कैलकुलेट करते होंगे, तो वो जो GDP फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं कॉन्स्टेंट प्राइस पे, उसको वो GDP नॉर्मली बोलते हैं, फर्दर बाय एडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें ऐड करोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जैसे कि प्रोडक्ट सब्सिडीज पे प्रोडक्ट टैक्सेस जो लग जाते हैं, ठीक है। तो GDP एट मार्केट प्राइस वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड इन द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक। तो आप GDP एट मार्केट प्राइस को भी कैलकुलेट कर सकते हो जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर चलोगे। इन रिवाइज सीरीज एज इज द प्रैक्टिस इंटरनेशनली, इंडस्ट्री वाइज एस्टिमेट्स आर द प्रेजेंट एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। जो हमारे इंडस्ट्री वाइज एस्टिमेट्स होते हैं, अब आपको पता है इंडस्ट्रीज में ग्रॉस वैल्यूज ऐड करी जाती हैं बेसिक प्राइस पे, तो इस वजह पे वो हम वहाँ पे ग्रॉस वैल्यू GVA एट बेसिक प्राइस लेके चलते हैं, वहीं पे GDP एट मार्केट प्राइस विल बी रिफर्ड एट GDP जब हम इंडस्ट्री वाइज एस्टिमेट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम एकेडमिक वर्क्स में देखेंगे तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट is at in constant price is normally taken as GDP। इस पर्टिकुलर चीज को समझने की आपको कोशिश करनी है। GVA की बात करें, GVA at basic price can be referred as GVA at producer price। जब हम GVA at basic price बोल देते हैं, इसको ध्यान देना, अगर मैंने GVA at basic price आपसे बोला तो इसका मतलब क्या है कि GVA at producer price बोलने की मैं कोशिश कर रही हूँ, एंड GDP एट मार्केट प्राइस एज वेल एज GDP एट बायर प्राइस। अगर मैंने GDP एट मार्केट प्राइस बोला है तो इसका मतलब है GDP एट बायर प्राइस, जो आप खरीद रहे हो, ठीक है, आप मार्केट प्राइस पे ही तो चीजें जाके खरीद रहे हो ना, तो दैट इज GDP एट बायर प्राइस एज वेल। एस्टिमेट्स ऑफ GVA एट फैक्टर कॉस्ट, अर्लियर कॉल्ड GDP एट फैक्टर कॉस्ट, कैन बी कंपाइल्ड बाई यूजिंग एस्टिमेट्स ऑफ GVA एट बेसिक प्राइस। अब देख लो, ये बोल रहे हैं कि जो GVA एट फैक्टर कॉस्ट आज आप बेसिक प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट आप निकाल रहे हो, जो कि हम पहले GDP एट फैक्टर कॉस्ट कहा करते थे, उसको हम कंपाइल कर सकते हैं एज अ एस्टिमेट
of GVA, basic price and production tax less subsidy, यानी उसमें हम सब्सिडी ऐड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, बस एक चीज याद रखना, बेसिक को लेकर चलना. जहां पे GVA आ रहा है उसको आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड ही समझना है. ठीक है, और ग्रॉस और नेट इसके बीच का भी डिफरेंस याद रखना है. ठीक है, मैंने पहले भी बोला, ग्रॉस का मतलब है कि डेप्रिसिएशन ऐड नहीं कर रहे हो, और अगर मैंने नेट बोला तो आप डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर कर रहे हो. ये सारी चीजों को अगर आपने ध्यान से सुना है और ध्यान से समझने की कोशिश की है तो आपका ये, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा. इट वुड रिजल्ट इन एन इफेक्ट ऑन साइज ऑफ GVA कंपेयर टू GDP. अब देखो, यही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है कि GVA कैसे वैरी करता है, GDP कैसे वैरी करता है. अगर मैं इसमें आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, GDP एट मार्केट प्राइस हेंसफोर्थ बी रिफर्ड एज GDP. अब जब हम GDP एट मार्केट प्राइस बोलेंगे ना, तो सिंपल हम GDP बोल रहे हैं. कैन बी कंप्यूटेड बाय एडिंग नेट ऑफ प्रोडक्ट टैक्स. अगर इसमें आप नेट ऑफ प्रोडक्ट टैक्स ऐड कर दे रहे हो और प्रोडक्ट सब्सिडीज इन GVA एट बेसिक प्राइस, तो ये क्या बन रहा है, GVA एट बेसिक प्राइस. यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस क्या होता है, वो होता है एम्प्लॉयज का कंपनसेशन. एम्प्लॉयज का कंपनसेशन ऐड कर दो, ऑपरेटिंग सरप्लस, जितना भी ऑपरेटिंग सरप्लस एड मनी है, कैपिटल है, वो सब ऐड कर दो. मिक्सड इनकम्स ले लो सबकी, कंजम्पशन सेट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ले लो, प्रोडक्शन टैक्सेस उसमें से सब्सिडी माइनस कर दो, तब आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस मिल रहा है. वहीं पे अगर हम GVA एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, जिसको हम पहले GDP एट फैक्टर कॉस्ट कहा करते थे, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये जो पहले निकाला ना आपने GVA एट बेसिक प्राइस, उसमें आप क्या करो, प्रोडक्शन टैक्सेस को माइनस करो. यानी वो सारी सब्सिडीज माइनस कर दो जो प्रोडक्शन के टाइम पर आपको मिली थी. अगर GDP की बात करें, GDP निकालने की बात करें, तो क्या करना है, GVA एट बेसिक प्राइस में प्रोडक्शन टैक्स को प्लस कर दो, प्रोडक्शन प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर दो. यानी जो टैक्स दे रहे हो उसको प्लस कर दो और सब्सिडीज को माइनस कर दो. यही चीज तो हमने पहले भी सीखा था ना GDP में, वही चीज तो फिर से रिपीट हो रही है. तो GVA का कॉन्सेप्ट कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज सिमिलर टू द NNP. ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू द NNP. बस इसमें जो आपकी माइन्यूट जो चीज़ें हैं, माइक्रो चीज़ें हैं, जैसे कंपनसेशन की, एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, इन सारी चीज़ों को हम कंसीडर कर दिखा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग मैनी आर्ग्यू दैट आउटपुट वॉज फेलिंग फॉलिंग, बट द न्यू सीरीज शोड दैट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट दैट बैड. तो नई सीरीज अभी 17-18 के मार्जिन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस खराब नहीं है. इट वॉज बिकॉज ऑल दो द आउटपुट वॉज स्टैगनेंट और लेस, बट द वैल्यू एडिशन वॉज बेटर ऑफ, क्योंकि पहले से वैल्यू एडिशन काफी अच्छा करने की कोशिश की गई और चीजें भी, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो वर्ल्ड के बेसिस पे भी हमें समझ के चलना है, बिकॉज रिसोर्सेज जो हैं वो शॉर्टन हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा एंड एवरीथिंग विल बी चेंज. ठीक है, तो सारी चीजों को, सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके ही हमें इकोनॉमी में चलना होता है, ऐसे रैंडमली हम पर्टिकुलर कुछ चीजें नहीं लेके चल सकते. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक रीजन दिया गया है, राइज इन द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपका ग्रो हो रहा है, एट न्यू बेस आर स्ट्रक्चरल एज वेल एज चेंज इन द कंपाइलेशन मेथोडोलॉजी. देखो, सबसे पहला तो है आपका द शिफ्ट फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच टू इंटरप्राइज अप्रोच. अब जो हम पहले एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच की जो चीज़ें रखते थे, अब हम इंटरप्राइज अप्रोच की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच इज यूज इन द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, डिड नॉट कैप्चर द एक्टिविटीज ऑफ द यूनिट अदर देन मैन्युफैक्चरिंग. देखो, जो हम पहले एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच रखते थे ना, उसमें क्या होता था कि इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज को कैप्चर ही नहीं करती थी. ठीक है, एक्टिविटीज को कैप्चर नहीं कर रही हैं. अगर हम इंटरप्राइज की बात करते हैं, विद इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इज ऑल्सो एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, सच एज एंसिलरी एक्टिविटीज.
तो यहाँ पे हम क्या कोशिश यहाँ पे हम क्या देखने को पाते हैं कि यहाँ पे आपको अदर एक्टिविटीज भी कंसीडर, अदर एक्टिविटीज सॉरी अदर एक्टिविटीज भी जो है चीजें देखने को मिलती हैं, यानी जो हमारी व्हाट जिसको हम अधीनस्थ एक्टिविटीज बोलते हैं, जैसे कि ऐसी चीजें जो सहायक हैं, ऐसी चीजें जो हमें हेल्प कर रही हैं, ठीक है। एंसिलरी का मतलब है यहाँ पे जो हमें हेल्प कर रही है मैन्युफैक्चरिंग में, जो सहायक चीजें हैं उनको भी हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं, जो कि पहले नहीं करते थे, ठीक है। और इस वजह से जो पर्टिकुलर ग्रोथ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो किस वजह से हो रहा है, तो अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है तो पहला रीजन आप लिख सकते हो, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच टू द इंटरप्राइज अप्रोच, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच से अब हम इंटरप्राइज अप्रोच के साइड बढ़ रहे हैं, और इस वजह से जो है पर्टिकुलर आपको राइज इन द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ एनएसएसओ सर्वे, द डिटेल्स ऑफ न्यू एनएसएस सर्वे विज अन इनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइज सर्वे, जिसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयड सर्वे 2011-12 का, आर नाउ अवेलेबल, अब अवेलेबल है, और इसी वजह से अब हम नई सीरीज में उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। यानी देखो जब हमारे पास डेटा होता है ना, सिंपल देखो सारा फंडा डेटा का है, अगर हमारे पास एक्यूरेट डेटा होता है ना तो हम चीजें बेटर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और वही हो रहा है, वही हो रहा है, ठीक है। नई सीरीज में हमारे पास एक्यूरेट डेटा है, डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट है, और इस वजह से जो है हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं विद द मॉडिफिकेशन विद द अपडेशन, अपडेट करके चीजें चल रहे हैं। थर्ड क्या है, द चेंज इन द लेबर इनपुट मेथड, जो लेबर इनपुट मेथड है उसमें भी चेंज आया है, द न्यू सीरीज हैज स्विच्ड ओवर टू इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस, अर्लियर मेथड वॉज असाइनिंग इक्वल वेट टू ऑल द टाइप ऑफ वर्कर, पहले क्या था कि इक्वल वेट दो सारे टाइप ऑफ वर्कर्स को, वेल द न्यू मेथड असाइन डिफरेंट वेट्स फॉर द वर्कर एज पर दियर प्रोडक्टिविटी, यानी जितना ज्यादा जो भी लेबर फोर्स प्रोड्यूसिव होगा, जितना ज्यादा वो प्रोडक्टिव होगा उतना ही हम उसको चीजें देंगे, जितना कम जो होगा उतनी ही कम उसको चीजें मिलेंगी। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लेबर मैनेजमेंट की चीजों को भी देख रहे हैं। वहीं पे अगर चौथे पॉइंट की बात करें, द इंक्लूजन ऑफ प्रोडक्शन टैक्स लेस सब्सिडी, द नेट ऑफ प्रोडक्शन टैक्स, जो प्रोडक्शन टैक्स है और जो प्रोडक्शन सब्सिडी है इज पॉजिटिव इन मैन्युफैक्चरिंग, वाइल इट इज इंटर आलिया नेगेटिव इन एग्रीकल्चर एंड एलीड। अब आपको पता है एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब में गवर्नमेंट सब्सिडीज भर भर के देती है ना, तो वहां पे ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। वहीं पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे आपको इतना ज्यादा प्रोडक्शन सब्सिडीज नहीं लगाती है, और इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिलती है। देयरफॉर द पॉजिटिव नेट प्रोडक्शन टैक्स वुड इंक्रीज द साइज ऑफ जीडीए, और इसीलिए जब पॉजिटिव नेट प्रोडक्शन टैक्स होता है तो साइज ऑफ द जीवीए जो होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है। और वो बढ़ती है तो इस वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो होता दिखाई देता है। एक और रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द न्यू जीडीपी नंबर विल बी लायबल टू चेंजेस इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन द चेंज इन द बेस ईयर ऑफ आईआईपी, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई सीरीज। जो हमारा चेंज हुआ है ना बेस ईयर में, वो हमारे तीनों ही जो इंडेसेस हैं उनमें चेंजेस हैं, आईआईपी जो है आपका, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये सारी चीजें मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करके यहाँ से जाऊंगी। आईआईपी है, डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई है, इन सबका बेस ईयर चेंज हुआ है, समझ रहे हो। जब इन सबका बेस ईयर आप चेंज कर रहे हो तो जो जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, करेंट प्राइस आप निकाल रहे हो ना, वो बेस्ट टू बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे हम ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पहले पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जीएचआई जो है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, और एक आपका और है दैट इज कॉल्ड एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ऐसे इंडेसेस हैं जो आपके एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टेट थीसिस में तो डायरेक्ट इस पे सवाल आते हुए आपको दिखाई भी देते होंगे।
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ होमवर्क समझ लो, कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके से आज ही याद कर लो, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको आप टिप पॉइंट्स पे रखो अपने, और अभी कमेंट सेक्शन में आफ्टर दिस सेशन जरूर जो सारे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हमारे, उनको आप जरूर लिखना, बिकॉज ये जो है स्टेट पीसेस में, मैं आपको 2 ईयर्स से लगातार बताऊं तो दो दो तीन तीन चार चार सवाल लगातार आते हुए आप यहाँ से देखोगे, स्पेशली इन द UPPSC। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा और आज ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एज अ होमवर्क मेरे साइड से समझ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर हम ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एंड मेजर्ड ऑन मटीरियलिस्टिक इन्हांसमेंट एंड इकोनॉमिक पैरामीटर। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, वो हमेशा हम मटीरियलिस्टिक इन्हांसेस पे देते हैं कि कितना इन्हांसमेंट हुआ है हमारे मटीरियल स्पेसिस पे और इकोनॉमिक पैरामीटर्स में। द टर्म ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय फोर्थ किंग ऑफ भूटान, किंग जिंगमे साइंग वांगचुक। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रनाउंसमेंट अगर कोई भी गलती हुई हो, बट आप थोड़ा सा इसका आइडिया ले लो कि जो पहली बार ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस टर्म यूज किया था, दैट वाज फ्रॉम द फोर्थ किंग ऑफ द भूटान, किंग वांगचुक इन 1972। द कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक अ होलिस्टिक अप्रोच। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सतत विकास। अब उसको हॉलिस्टिकली हमको जो है कवर आउट करते हुए जाना है टुवर्ड्स अ नोशन ऑफ प्रोग्रेस एंड गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू द नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग, है ना। सिर्फ हमें इकोनॉमिक चीजें नहीं देखनी है, हमें अपनी सोसाइटी में सिर्फ आर्थिक चीजें और आर्थिक बदलाव नहीं लाना है, हमें उसके साथ साथ सोशल चेंजेस भी लेके आने हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस लेके भी आने हैं, कल्चरल चेंजेस लेके भी आने हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस लेके आने हैं, पॉलिटिकल, जियोलॉजिकल, जितने भी कह लो, ये सारे चेंजेस लेके आने हैं। और जब भी हम ये चेंजेस लेके आएंगे तो हम ग्रॉस हैप्पीनेस निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, ग्रॉस हैप्पीनेस निकालने की कोशिश। अब ग्रॉस इस चीज़ पे ध्यान देना, इसीलिए मैंने पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं कि ग्रॉस बोला ना, तो अब ग्रॉस पे ध्यान दो। ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स हम इसी वजह से देखते हैं कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स में कितना बदलाव आया है, हमारे हेल्थ में क्या चेंजेस आए हैं, एजुकेशन में क्या चेंजेस आए हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स हैं कल्चर को लेके वो कैसे हो गए हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसी हो गई है लोगों की, मॉडर्नाइज हो रहे हैं लोग, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं लगातार, दिन प्रतिदिन हम लोग जो हैं वेस्टर्न चीज़ें अपना रहे हैं, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल पे पूरा बेस हो रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी, और प्लीज़ जो होमवर्क दिया है उसको ध्यान में ज़रूर रखना। अभी स्टार्टिंग में इनिशियली मैं जो आपके सेशंस हैं वो छोटे ही ले रही हूँ, बट आई प्रॉमिस कि इसके आगे आपके सेशंस जो हैं वो काफ़ी लंबे रहेंगे, और ये आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी वे में आपके सेशंस भी लेंदी होते चलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है कि ये होमवर्क ज़रूर कर लेना, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ज़रूर कर लेना, और आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, इनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। जैसे कि आज का द हिंदू में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज़ कॉल्ड ढोले ढोले और एशियाटिक वाइल्ड डॉग, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ये जो पर्टिकुलर स्पेशी थी न्यूज में, इसकी आप IUCN स्टेटस बताओ, और ये बताओ क्या ये इंडिया में मिलता है और कहाँ पर मिलता है, अगर मिलता है तो। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज आई थी आज न्यूज में, दैट इज कॉल्ड GLOF। ये जो GLOF है ये क्या है, पर्टिकुलर अगर मैं इसको बोलूँ तो फ्लैश फ्लड से रिलेटेड है ये, आपका जो इस वक्त सिक्किम में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा ग्लेशियर पिघलने की वजह से। तो
तो GLOF का चीजें आप क्लियर करोगे इन द कमेंट सेक्शन, और अपने लिए ये नोट्स भी बनाते चलना, बिकॉज करंट अफेयर बहुत मेजर रोल निभाते हैं आपकी प्रिपरेशन में. और अगर न्यूज़ जो लोकेशन की बात करूं, तो एक दो लोकेशन आप ज़रूर देख लेना. जैसे आपको पता है इसराइल और पैलेस्टीन का इस वक्त वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें गाज़ा स्ट्रिप ज़रूर देख लीजिएगा मैप में. गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक की लोकेशन, गाज़ा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स, ये जितना भी आपका इसराइल और पैलेस्टीन पे है, इस पे ऑलरेडी UPSC ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा. अलॉन्ग विद वन मोर लोकेशन दैट इज कॉल्ड पूरा क्यू कारा लेक. ठीक है, प्यूरा क्यू कारा लेक, ये कहाँ पर है? ये सूख गई है लेक, आज इसकी द हिंदू में फोटो भी निकली थी, और ये एकदम से ड्राई हो चुकी है. ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है. आई होप आपको मजा आई होगी, और अगर अच्छा लगा करे तो प्लीज शेयर, लाइक माई सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच. जय हिंद.